आज हम बनाने जा रहे हैं पुलाव। देखिए हमने पुलाव बनाया है, कितना टेस्टी दिख रहा है। आप घर पर बनाइए इसी तरीके से। हमने यहाँ 4 चम्मच देसी घी लिया है, बड़े चम्मच से। यहाँ हमने 2 तेज़पत्ता लिया है। यहाँ हमने 1/2 चम्मच कुटी हुई गरम मसाला लिया है। ये 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 बारीक कटा हुआ गाजर लिया है, ये फली लिया है बारीक कटा हुआ, ये थोड़े से मटर लिए हैं हरे मटर। इसे हम 1 मिनट भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। देखिए 1 मिनट हो गया है। इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। ये मिक्स मसाले हमने 1 चम्मच लिए हैं, इसे हम मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे ताकि सब्जी और मसाले अच्छे से मिक्स होकर पक जाए। हमने शेजवान चटनी लिया 1 चम्मच, इसे हम पूरी सब्जियों में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। चलाना है आपको अच्छे से। देखिए मिक्स हो गया, कितना बढ़िया दिख रहा है कलर। हम यहाँ 150 ग्राम बासमती राइस लिए हैं धुली हुई, इसे हम ऐड कर देंगे। इसे 1 मिनट भूनेंगे ताकि सब्जी और चावल जो अच्छे से मिक्स होके भुन जाए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना बढ़िया कलर दिख रहा है ये। इसमें हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, हमने ऐड कर दिया। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ हम कुकर को बंद कर देंगे। 1 सीटी आने तक हम वेट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स 1 सीटी आ गई कुकर की, हमारा चावल जो अच्छे से पक चुका है। चलिए मैं खोल कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सब्जी पूरी पक गई है। इसमें हमने ये 1 बारीक कटे हुए शिमला मिर्च ऐड करे ऊपर से। इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से और 5 मिनट के लिए ढक के इसे बंद कर देंगे ताकि कच्चापन दूर हो जाए शिमला मिर्च का। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया कलर दिख रहा है। इसे हम बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स ये कितना टेस्टी दिख रहा है, कितना बढ़िया दिख रहा है। बनाना बहुत ही आसान है, आप घर पर बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।